आज हम बनाएंगे लहसुन और नारियल की सूखी चटनी। सबसे पहले हमने गैस चालू करके पैन रखा है। यहाँ पर मैंने 1 कप सूखे नारियल के स्लाइस लिए हैं। लो फ्लेम पे हम नारियल को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें नारियल का कलर चेंज नहीं होने देना है। अब हम नारियल को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी में 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। नारियल के स्लाइस ठंडे हो गए हैं। हमने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम नारियल के स्लाइस डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें जीरा डालेंगे। चटनी में जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चाहे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। स्वादानुसार नमक डालेंगे, तो आप इसमें सूखी इमली भी डाल सकते हो 1 चम्मच, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। इसमें हम लहसुन की कलियाँ डालेंगे। हमने 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन की कलियाँ ली थी। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। नारियल की चटनी बनके तैयार है। आप भी आपके घर पे बनाइए और मज़े से खाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।